हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैंने पिछले वीडियो में मोलरता पर डिफिनीशन और उससे रिलेटेड फार्मूला बताया था। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को डिफरेंट टाइप के सॉल्यूशंस मोलरता से रिलेटेड हैं उनको बताने जा रहा हूँ। बड़े ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। पूछा जाता है मोलर विलयन, मोलर सॉल्यूशन, मोलर सॉल्यूशन फार्मूला कैपिटल एम इज इक्वल टू स्मॉल एन अपॉन कैपिटल वी, वेयर एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, भी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर लीटर में। ये फार्मूला है। इफ यदि n इक्वल टू 1 एंड v इक्वल टू 1 लीटर, सो m इक्वल टू 1/1, m इक्वल टू 1। डिफिनीशन किसी एक लीटर विलयन में विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या एक घुली हुई हो, किसी एक लीटर विलयन में विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या कितनी घुली हुई हो, एक घुली हुई हो, तो उस विलयन को मोलर विलयन कहते हैं। ध्यान से देख लीजिए, अगर एक लीटर आयतन में विलेय पदार्थ की मोलों की संख्या एक हो, उस विलयन को मोलर विलयन कहते हैं। दूसरे शब्दों में, जिस विलयन की सांद्रता एक मोलरता होती है, उस विलयन को मोलर विलयन कहते हैं। इंग्लिश में वन मोल ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड 1 लीटर सॉल्यूशन।
1 liter ऑफ 1 mole ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व 1 liter ऑफ सॉल्यूशन, 1 mole सॉल्यूट को 1 liter के सॉल्यूशन में डिजॉल्व करते हैं. डैट इज कॉल्ड, डैट इज कॉल्ड मोलर सॉल्यूशन. इट इज डिनोटेड बाय 1 m. इट इज डिनोटेड बाय 1 m. 1 mole ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 liter ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज कॉल्ड मोलर सॉल्यूशन. इट इज डिनोटेड बाय 1 capital M. मोलर बिलियन की एक डिफिनीशन है, इसे ध्यान से देख लीजिए. बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. टाइप ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ मोल्स, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, 1 liter, नोटेशन, संकेतांक. क्वेश्चन पूछा जाता है मोलर सॉल्यूशन, नंबर ऑफ मोल्स 1, वॉल्यूम 1, जो नोटेशन है वो कैपिटल 1 capital M, ये है नोटेशन. मोलर सॉल्यूशन अभी हम लोगों ने देखा कि किसी 1 liter के बिलियन में यदि विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या 1 घुली हुई हो उसे हम मोलर बिलियन कहते हैं. वन मोल ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 liter ऑफ सॉल्यूशन, डेट इज कॉल्ड मोलर सॉल्यूशन. सेमी मोलर सॉल्यूशन, सेमी का मतलब आधा. नंबर ऑफ मोल्स कितना हो, 1/2 या 0.5 mole. 0.5 mole. 0.5 mole विलेय पदार्थ का 1 liter विलयन में घुला हुआ हो तो उस विलयन को सेमी मोलर विलयन कहते हैं. नोटेशन m/2. डेकामोलर सॉल्यूशन, जिसमें मोलों की संख्या सॉल्यूट के कितनी हो, 10. 1 liter विलयन में विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या 10 हो तो उस विलयन को डेकामोलर विलयन कहते हैं. नोटेशन 10 capital M. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट. हेक्टामोलर सॉल्यूशन, जिसमें विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या 100 हो और वॉल्यूम जो है विलयन का आयतन 1 liter हो. डिफिनीशन क्या होगी, 1 liter विलयन में यदि विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या 100 घुली हुई हो तो उस विलयन को हेक्टामोलर विलयन कहते हैं. इंग्लिश में 100 mole ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 liter ऑफ सॉल्यूशन, डेट इज कॉल्ड हेक्टामोलर सॉल्यूशन. नोटेशन 100 capital M. ध्यान से देखते जाइए, इसको बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इस पर न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं. पेंटामोलर सॉल्यूशन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना होना चाहिए, 5.
और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना होना चाहिए, 1, नोटेशन 5 कैपिटल एम। ध्यान से देख लीजिए, 1 लीटर विलयन में यदि विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या 5 घुली हुई हो तो उस विलयन को पेंटामोलर विलयन कहते हैं, पेंटामोलर विलयन कहते हैं। इंग्लिश में 5 मोल ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, डेट इज कॉल्ड पेंटामोलर सॉल्यूशन, इट इज डिनोटेड बाई 5 कैपिटल एम। डेसीमोलर 1/10 या 0.1 मोल, वॉल्यूम 1 लीटर, नोटेशन 0.1 एम आर एम बाई 10। यदि 1 लीटर विलयन में विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या 0.1 घुली हुई हो तो उस विलयन को डेसी मोलर विलयन कहते हैं, जिसे 0.1 कैपिटल एम या एम बाई 10 से डिनोट करते हैं। सेंटीमोलर विलयन, जिसमें मोलों की संख्या 1/100 या 0.01 और वॉल्यूम 1 लीटर, नोटेशन 0.01 कैपिटल एम आर एम बाई 100। एक लीटर विलयन में यदि विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या 0.01 मोल घुली हुई हो तो उस विलयन को सेंटीमोलर विलयन कहते हैं, जिसे 0.01 कैपिटल एम या एम बाई 100 से डोनेट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। अगला सॉल्यूशन, मिली मोलर सॉल्यूशन, जिसमें मोलों की संख्या 1/1000, 0.001, वॉल्यूम 1 लीटर, नोटेशन 0.001 एम या एम बाई 1000। एक लीटर विलयन में यदि विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या 0.001 मोल घुली हुई हो तो उस विलयन को मिली मोलर विलयन कहते हैं, जिसका नोटेशन 0.001 कैपिटल एम या एम बाई 1000। पेंटीमोलर विलयन, पेंटीमोलर सॉल्यूशन, जिसमें नंबर ऑफ मोल्स 1/5, 0.2, वॉल्यूम 1 लीटर, नोटेशन 0.2 कैपिटल एम आर एम बाई 5 एम बाई 5। ध्यान से देख लीजिए, पेंटीमोलर सॉल्यूशन, जिसमें विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या 0.2
घुली हुई हो एक लीटर बिलियन में, उसे पेंटीमोलर बिलियन कहते हैं। नोटेशन 0.2 कैपिटल एम या एम बाई 5। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन, मोलर सॉल्यूशन, सेमी मोलर सॉल्यूशन, डेका मोलर सॉल्यूशन, हेक्टा मोलर सॉल्यूशन, पेंटा मोलर सॉल्यूशन, डेसी मोलर सॉल्यूशन, सेंटी मोलर सॉल्यूशन, मिली मोलर सॉल्यूशन, पेंटी मोलर सॉल्यूशन, ये दिए गए हैं। कितने नंबर ऑफ सॉल्यूट 1 लीटर में घुले हुए हैं उसके अकॉर्डिंग ये नोटेशन है, इसे ध्यान से देख लीजिए। इस पर आधारित न्यूमेरिकल्स कम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, उसे देखना है। इसलिए टाइप ऑफ सॉल्यूशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। न्यूमेरिकल्स देखते हैं, मोलैरिटी पर आधारित। क्वेश्चन है 20 ग्राम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेकर 400 मिलीलीटर बिलियन बनाया गया। बिलियन की मोलरता ज्ञात कीजिए। एक क्वेश्चन दिया हुआ है जहाँ पे H का एटॉमिक वेट 1, O का 16 और सोडियम एटम का 23 दिया गया है। फार्मूला, फर्स्ट फार्मूला हम लोग जानते हैं N अपान V, V किस में है, लीटर में। सेकेंड फार्मूला हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था, स्मॉल W अपान स्मॉल M1 V, सेकेंड फार्मूला, जिसमें V जो है लीटर में है, लीटर में है। थर्ड फार्मूला जो हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था, कैपिटल M इक्वल टू 1000 स्मॉल W अपान M1 V, जिसमें V जो है मिलीलीटर में है, मिलीलीटर में। तो चूंकि सॉल्यूशन मिलीलीटर में है तो इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे, कैपिटल M इक्वल टू 1000 स्मॉल W अपान M1 V। गिवेन क्या दिया गया है, ब्ले पदार्थ की मात्रा स्मॉल W इक्वल टू कितने ग्राम, 20 ग्राम, 20 ग्राम। विलेय पदार्थ का अणु भार M1 कैसे निकालेंगे, विलेय पदार्थ कौन सा है, कास्टिक सोडा NaOH, कितना दिया गया है 23 प्लस O की वैल्यू 16, H की वैल्यू 1, टोटल 40
ग्राम पर मोल। ये आ गया मास ऑफ सॉल्यूट। विलयन का आयतन वी, कैपिटल वी इक्वल टू कितना है, 400 मिलीलीटर। ये दिया गया। स्मॉल डब्ल्यू एम वन और कैपिटल वी की वैल्यू दी गई है। अब पूछ रहा है क्या, मोलरता। तो इक्वेशन वन समीकरण एक से बस वैल्यू पुटअप कर देना है। कैपिटल एम इक्वल टू 1000 इंटू कितना 20 स्मॉल डब्ल्यू की वैल्यू अपॉन 40 इंटू वैल्यू 400। वन जीरो कैंसिल। 4 5 25। तो कैपिटल एम इक्वल टू 5/4 ये आया। अब इसको जब कैलकुलेट करते हैं 5 4 4 1 4 1.0 4 2 8 2 4 5 20 कैंसिल। वैल्यू जो है कैपिटल एम इक्वल टू 1.25 एक कैलकुलेट होके आई। ये वैल्यू कितनी आई 1.25। यानी जो विलयन है उसकी सांद्रता कंसंट्रेशन कितनी आई 1.25 कैपिटल एम। ये है आंसर। तो ध्यान से देख लीजिए, बहुत ही आसान है क्योंकि फार्मूले पर ही वेस्ट क्वेश्चन आते हैं। इसे ध्यान से देख लीजिए। सेकेंड क्वेश्चन 0.2 मोलर का कैल्शियम कार्बोनेट का 500 मिलीलीटर विलयन बनाने में कितना कैल्शियम कार्बोनेट चाहिए। तो फार्मूला मालूम है, 1000 स्मॉल डब्ल्यू एम वन कैपिटल वी, ये फार्मूला है। क्या दिया गया है, गिवेन मोलर मास अणुभार ऑफ सॉल्यूट कितना हो जाएगा, क्या है स्मॉल एम वन CaCO3 है, स्मॉल एम वन इक्वल टू CaCO3 वैल्यू कितनी है कैल्शियम की 40, कार्बन की कितनी है प्लस 12, ऑक्सीजन कितनी है 16, लेकिन ऑक्सीजन नंबर आप 3 into 16 40 + 12 + 48 टोटल आएगा 100 ग्राम पर मोल। ये आया एम वन की वैल्यू। फर्स्ट सेकेंड क्या दिया हुआ है, मोलालिटी दी हुई है, मोलालिटी कैपिटल एम की वैल्यू दी गई है 0.2। थर्ड नंबर पर क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम आयतन दिया हुआ है, वॉल्यूम
वैल्यू ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया है, वी की वैल्यू, कैपिटल वी की वैल्यू 500 ml। फर्स्ट मोलर मास दिया हुआ है, सेकेंड मोलरिटी दी हुई है, और थर्ड जो है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है। पूछ क्या रहा है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट सी, ये सॉल्यूट क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा पूछ रहा है, यानी स्मॉल डब्ल्यू की बात कर रहा है, क्वेश्चन मार्क, स्मॉल डब्ल्यू पूछ रहा है। स्मॉल डब्ल्यू निकालने के लिए इस फॉर्मूले पे जाते हैं, एम वन भी का क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, एम वन भी कैपिटल एम इज्कवल टू 1000 इंटू स्मॉल डब्ल्यू, स्मॉल डब्ल्यू इज्कवल टू एम वन कैपिटल भी कैपिटल एम अपॉन 1000, ये फार्मूला बन जाएगा। इसमें क्या पूछा है, स्मॉल डब्ल्यू पूछा है। अब स्मॉल डब्ल्यू की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, आसानी से आ जाएगा, स्मॉल डब्ल्यू इज्कवल टू एम वन की वैल्यू कितनी है 100 है, बी की वैल्यू कितनी है 500 है, और कैपिटल एम की वैल्यू कितनी है 0.2 अपॉन 1000, 10 कैंसिल, स्मॉल डब्ल्यू इज्कवल टू आया 50 इंटू 0.2, तो स्मॉल डब्ल्यू इज्कवल टू 0.25 स्मॉल डब्ल्यू की वैल्यू जो है 10 ग्राम आई, कितने ग्राम आई 10 ग्राम। अतः कैल्शियम कार्बोनेट के 10 ग्राम को, कैल्शियम कार्बोनेट के 10 ग्राम को 500 मिलीलीटर बिलियन में घोलते हैं तो बिलियन की जो मोलरता होगी वो 0.2 एम आएगी। कैलकुलेशन देख लीजिए, सिर्फ फार्मूले पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं, अब बहुत ही इजी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मोलरता की परिभाषा, फार्मूले और डिफरेंट टाइप के बिलियन अगर दिमाग में हैं तो न्यूमेरिकल्स आंकी प्रश्न सरलता से सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेंटी मोलर बिलियन बनाने के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कुल कितने मोलों की आवश्यकता पड़ेगी जबकि बिलियन का आयतन 400 मिलीलीटर है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, फर्स्ट फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा था एन अपान भी, ये डिफिनीशन आया था। सेकेंड फार्मूला एम इज्कवल टू स्मॉल डब्ल्यू अपान एम वन भी, भी लीटर में है, यहाँ पे भी लीटर में है। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यदि वॉल्यूम मिलीलीटर में है तो फार्मूला चेंज हो जाएगा, कैपिटल एम इज्कवल टू 1000 नंबर ऑफ मोल्स अपॉन भी, और यहाँ पे जो भी है किस में आएगा, मिलीलीटर में, ये ध्यान रखिएगा। इसके अकॉर्डिंग यदि वॉल्यूम किस में हो, मिलीलीटर में, वॉल्यूम मिलीलीटर में, तो फार्मूला कैपिटल एम इज्कवल टू 1000 स्मॉल डब्ल्यू अपॉन एम वन भी, ये पढ़ा।
जिसमें ये आएगा वॉल्यूम मिलीलीटर में। तो यहाँ पे पूछ रहा है HCl के मोलों की संख्या, यानी स्मॉल n पूछ रहा है, ठीक है। वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, 400 मिलीलीटर दिया गया है, ध्यान से देख लीजिए, 400 मिलीलीटर वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स पूछ रहा है। और सॉल्यूशन कैसा है, पेंटी मोलर विलयन है। तो पेंटी मोलर किसको बोलते हैं, m बाई 5, इसकी वैल्यू कितनी आती है, 0.2 m, ध्यान रखिएगा, पेंटी मोलर को m बाई 5 या 0.2 से इंडिकेट करते हैं। तो कैपिटल M की वैल्यू भी क्लियर होगी, कितनी, 0.2 पेंटी मोलर का मतलब m बाई 5 या 0.2 m। अब किस फार्मूले का उपयोग करेंगे, कैपिटल M इक्वल टू 1000 स्मॉल n अपॉन v, n निकालना है, स्मॉल n इक्वल टू कैपिटल M v अपॉन 1000, स्मॉल n निकालना है, तो m की वैल्यू 0.2 इंटू वॉल्यूम 400 अपॉन 1000, 1 1 1 1, n इक्वल टू 0.84 मल्टीप्लाई 0.2 अपॉन 10। कैलकुलेट करने पर कितनी वैल्यू आएगी, स्मॉल n की वैल्यू 0.08 ये आई।